अल्लाह एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग आई होप आप सब ठीक हो और खैरियत से हूँ कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सो so, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कम्प्लीट इफ्तार दावत ब्लॉग और इन बहुत सारी रेसिपीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो so, मैं यहाँ पर जो जूँ ना एक दिन पहले ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हुई हूँ और ये जो है ना मैं अपना टेबल सारा यहाँ पर सेटअप कर रही हूँ इन लॉज को मैंने अपने घर में इन्वाइट किया है दावत इफ्तार के लिए तो उसके लिए जो है ना मैं सारी चीज़ों को पहले ही सेटअप कर रही हूँ पूरा ऑर्गेनाइज़ करूँगी टेबल इस ब्लॉग से आप लोगों को भी बहुत सारे आइडियाज़ और टिप्स मिलेंगी ताकि अगर आप ही अपने घर में इफ्तारी या इफ्तार पार्टीज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं इसलिए मैंने ये ब्लॉग बहुत जल्दी जल्दी बनाया ताकि आपके पास पूरा रमज़ान का आगे मंथ है और आप लोग आराम से जो है ना अपनी इफ्तार पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर इफ्तार पार्टीज अरेंज करना या इवन दावत भी अरेंज करना इतना इजी नहीं होता बहुत सारा काम करना पड़ता है दिन रात लगा कर मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपने सब कुछ अकेले ख़ुद करना होता है कोई हेल्पर नहीं होता तो सब कुछ अकेले ही मैंने मैनेज करना था तो एक दिन पहले ही मैंने सारी अपनी जो ना अपनी प्रपेशन स्टार्ट कर दी थी वेल ये जो ग्रॉसरीज थी या शॉपिंग वगैरह थी जितनी भी चीज़ें आप मेरी डिस्पोजेबल देख रहे हैं ना ये मैंने सारी लास्ट वीक कभी ले दी थी और इनको ना मैं टेबल पे लगा के पहले ही सारा सेटअप अपना देख रही थी कि कल में जो सब चीज़ें रखनी होंगी तो किस तरीके से इसको मैंने अरेंज करना है ये ना कल बस मैं सोचती रह जाऊँ कि मैं किस तरह से रखूँगी ये ना हो कि मेरा जो इफ्तार का आ, मेरी जो दावत है वो डिनर है वो ख़राब ना हो जाए तो सिल्वर कलर की सारी मैंने एल्यूमिनियम फल की ट्रे ली थी और इसी के साथ मैं पूरा अच्छे से जो है ना इसको अरेंज कर रही थी अब यहाँ पे जो है ना पेपर्स के ऊपर मैं नेम लिख रही थी सारी डिशेस के और उनको ना मैं ट्रेज़ के अंदर रख दूँगी ताकि तो मुझे पता चल जाए कि मैंने किस ट्रे में कौन सी चीज़ डालनी है और इसको कहाँ पर मैंने अरेंज करना है तो एक साइड पे जो है ना मैंने सारा इफ्तार बफ़े के लिए सारा सेटअप किया था और एक तरफ जो था ना डिनर के लिए मैंने किया था सारा सेटअप वेल अभी मैंने सारी चीज़ें ऐसी रख दी थी कल जब इन मैं अपनी सारी जब चीज़ें तैयार कर लूँगी तो फिर इनको दोबारा से रीअरेंज कर लूँगी और इफ्तार बफे टेबल को थोड़ा सा ज़्यादा मजदीद डेकोरेट करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स लिए थे और कुछ मैंने न्यू वेज़ लिए थे और ये सारा डिस्पोजेबल जो आपको नज़र आ रहा है ये लास्ट वीक में भी सारा लेकर आई थी और डिस्पोजिबल इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ कि इस ये कि यूज़ करने के बाद हम फेंक देंगे बर्तन ज़्यादा नहीं होंगे हमें काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और अफ्तारी के बाद आपको पता है तो पैसे भी नहीं करता किचन में ज़्यादा काम करने का और माशाला से फैमिली भी काफ़ी बड़ी आ रही है तो क्योंकि मेरी जो इन लफ है वो सब आएंगे और बारह से पंद्रह लोग हो जाते हैं तो इसलिए इतने सारे बर्तन धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छा मैंने अभी इफ्तारी की थी तो मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए ताकि अभी इसे प्रेपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे मैं बच्चे कट कर रही थी और मुझे पास्ता बनाना था और इसके लिए ना मैंने बेल पेपर्स लिए थे आप भी कोई भी आपके पास कलर के बेल पेपर है ना उसको इस तरह से कट कर लें चिकन मैंने ले लिया था चिकन बोनलेस उसको ना मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है इसमें मैं बस गार्लिक पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा कैन पेपर डालूँगी ब्लैक पेपर डालूँगी सॉल्ट और थोड़ा सा सरका इसमें जाएगा वाइट विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस अच्छे से इसको मिक्स करके इसको मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख कि कल जब आ, आ, खाना वगैरह बनाऊँगी ना तो उसी के साथ पास्ता बना लूँगी अभी मैंने इसके लिए मैरिनेशन कर लिया है कि कल मुझे कटिंग वगैरह और मैरिनेशन ना करना पड़े और पास्ता भी बॉइल करके ना अभी ही मैं रख लूँगी और सारी चीज़ों को जिप लोग बैग में डाल कर मैं फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और बस कल ये है कि बस इनको थोड़ा सा कुक करना है और मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो नेक्स्ट रेसिपी है जो मेरी वो मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा बाइट्स उसके लिए मैं यहाँ पर डो प्रिपेयर कर रही हूँ नाइट में इसको बनाकर मैं इस पर रख दूँगी बेक भी कर दूँगी सुबह जो है ना बस इसको बस मैंने पिज़ा के ऊपर सॉस और चीज़ डाल के इसको बेक करना होगा तो इसके लिए मैंने तीन कप आ, 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 वाइट फ्लावर लिया था जो रेगुलर फ्लावर होता ना वो लिया था उस पर मैंने ये यीस्ट ऐड किया है बटर ऐड किया है थोड़ी सी शुगर डाली थी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और जो वॉम वाटर है ना आपने वो यूज़ कर लेना है या वाम मिल्क यूज़ कर लेना है तो दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी मशीन यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से जो है ना इसकी डो प्रिपेयर हो जाए हाथ से मेरे लिए गूंदना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो मशीन में बहुत जल्दी हो गया था तो यहाँ पर जो है ना डोर बिल्कुल रेडी थी ज़्यादा ना बहुत हार्ड हो ना ये बहुत सॉफ्ट हो तो बस इस तरह से जो है ना डोर प्रिपेयर हो गई थी तो इसको मैं किसी वार्म जगह पर रख दूँगी ताकि ये जो है ना जाए और इसे थोड़ी डबल हो जाए और ये चिकन ब्रेस्ट आ, मैंने ना बॉइल करके रखी थी पानी में सिंपल सा इसको मैंने बॉइल कर लिया था इसको मैं अच्छे से ना यहाँ पर श्रेड कर लूँगी तो इसके हम बना लेंगे कोल्ड सैंडविचेस उसके लिए ना बस मैंने चिकन को सास श्रेड किया है और इस पर जो है ना मैं डालूँगी कोल्सला आप कोई भी ले सकते हैं शर्टेड कैरेट्स ले लें शर्टेड आपको जो भी लेटर्स वाला अच्छा लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं कैरेट्स जो भी आपको वेजेज़ अच्छी लगती है ना आप इसमें ऐड कर लें मैंने ये कोलसा ले लिया था इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है ब्लैक पेपर ऐड किया है और इसमें जाएगा मायनेज और साथ में जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम चीज़ और क्रीम चीज़ ऑप्शनल है अगर आप आपसे माइनस ही रखना चाहते हैं माइनस ही रख डाल दें तो क्रीम चीज़ अगर नहीं ऐड करना तो क्रीम चीज़ आपने बहुत ध्यान से डालनी है अगर ये वाली क्रीम चीज़ यूज़ करें आप पा के तो इसमें सॉल्ट ऑलरेडी होता है तो बहुत सोच समझ के आपने सॉल्ट ऐड करना है और अब इस पर थोड़ी सी मैंने शुगर भी डाली थी ताकि थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आए इसका तो यहाँ पर जो है ना चिकन का मिक्सचर रेडी हो गया इसको मैं फ्रिज पर रख दूँगी कल सैंडविचेज इसके बना के ना हम इफ्तार पे वो सर्व करेंगे तो अभी यहाँ पे बस मैं बनाने वाली हूँ चिकन के कबाब और ये इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ लास्ट अपनी ब्लॉग्स में शेयर की हुई है तो इस तरह से मैंने कहा थोड़ा बहुत फिर आपको भी बता देती हूँ इसमें जो है ना मैं यहाँ पर ब्रेड डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने प्याज कट करके कर डाल दिया था धनिया डाल दिया है और साथ में जो आएगा जी ग्रीन चिल्स जो है मिर्चें वगैरह ग्रीन और ये सारे मसाले इसमें जाएंगे और मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पहले इकट्ठे ही मिक्स कर लूँगी इस तरह से ना इसका आपने बस एक ही बार जो है ना इसको चॉप कर लेना है तो सारी चीज़ें एक ही टाइम पर मिक्स हो जाएंगी अलग अलग हमें काम नहीं करना पड़ेगा तो अपना चॉपर यूज़ कर रही करी इसको जो है ना मैं सारा चिकन और जितने भी वेजेस बना इसमें मैंने ऐड की हैं स्पाइज डाले सब कुछ अच्छे से ना एक ही टाइम पर इनको मिक्स कर लूँगी इस तरह से ये होगा कि इनके अंदर पानी भी नहीं आएगा और ये ख़राब भी नहीं होंगे अच्छा आप लोग अगर चाहें तो इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं एग अगर आप डाल लें तो एग जो है ना उससे भी बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है तो मैं एग नहीं ऐड कर रही हूँ इसको मैं ओवर नाइट फ्रिज में रखूँगी और कल इसके हम लोग कबाब बना देंगे और यहाँ पर जो है ना देखें ये डो कितनी अच्छे से राइज हो गई है और ये देखें डबल हो गई है और इतनी मज़े की हो गई है ना डो इस टाइम पे ना मुझे इस डो के साथ ले करने का बहुत मज़ा आता है अच्छा हमने ना इसको निकाल के ना अच्छे से नीट कर लेना है अपने हाथों से एक दो बार अच्छे से जो है इसको घून लेना है और फिर हमने इसके ना छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं इनको डिवाइड कर देना है एक ताकि इक्वली साइज़ के सारे पीसेस हो इसके तो इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे आप नाइफ ले लें और क्या जो कटर्स पड़े मैं कोई कटर यूज़ कर लें तो इस तरह से आपने इसको इक्वली साइज़ में कट कर लेना है तो बस जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं वैसे इसको बेलते जाना है और इसको आपने एक ट्रे ले लेना बड़ा और उसके ऊपर आपने आ, बटर पेपर शीट लगा ले थोड़ा सा ऑयल डाल दें उसके ऊपर और आपने उसके ऊपर इसको तक आप ये काम कर रहे हैं ना साथ ही ओवन को भी ऑन कर दें ताकि वो प्री हीट हो जाए तो मैंने थ्री सिक्सटी डिग्री पे उसको प्री हीट कर लिया था और ब्रेड्स के अंदर हमने ना फोर्क के साथ साथ ना मार्क्स कर, लगा देने हैं ताकि जो ब्रेड्स है ना अंदर से अच्छे से कुक हो जाए उनमें हवा ना पड़े और वो ख़राब ना हो ना तो इसलिए थोड़े थोड़े से हमने मार्क्स ऐड कर देने तो बस यहाँ पर हमने इसको ओवन में रख देंगे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे ज़्यादा बेक नहीं करना बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे थोड़ा सा कुक करना है सिर्फ दस से पंद्रह मिनट हम इसको कुक करेंगे और उसको निकाल लेना है बस इतना इसको कुक करना है कि इसके जो नीचे वाली साइड है ना वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए बस और इसके बाद जो है ना हम इसको सुबह जब इफ्तारी के लिए तब निकालेंगे फ्रिज से तो उसके ऊपर हम लोग सॉस और चीज़ वगैरह ऐड करके वेजेस ऐड करके तो उनको बेक कर लेंगे इसलिए हमने इसको कम कुक किया ताकि ना ये दोबारा जब बेक होंगी ना तो हार्ड नहीं होगी तो अभी सुबह का टाइम है और कल मैंने बस इतना ही काम किया था और मैं सो गई थी तो अभी मैं उठी हूँ और मैंने ना सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना काम स्टार्ट कर दिया था वेल well, मेरा इस टाइम रोज़ा था तो इसलिए जो है ना मुझे अब स्पाइसेस का बिल्कुल कुछ पता नहीं होना था अब जैसे भी था मैंने कब बना लेती हूँ अच्छा मैं यहाँ पर बना रही हूँ दही भरे के लिए जो भरे हैं ना वो बनाने वाली तो मैंने का पैकेट यूज़ कर जल्दी बन जाएगा घर के भी बन सकते हैं लेकिन उसके लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो मैं इंस्टेंट यूज़ कर रही हूँ तो इसके भी बहुत अच्छे बनते हैं नेशनल के एक पैकेट से भी बहुत ज़्यादा भरे बन जाते हैं लेकिन मैं दो पैकेट से यूज़ कर रही हूँ और क्वांटिटी आपको बॉक्स के पीछे मिल जाएगी कितना इसमें आपने पानी ऐड करना है उस पर पानी डालते जाएँगे और इसको जो अच्छे से मिक्स करते जाना है इसका थिक सा बैटर हमने रेडी कर लेना है और बैटर रेडी करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा जो है ना इसका बैटर सेटल हो जाए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया था और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ना डाल रही हूँ ये आपको अपनी आपकी चॉइस से आप बड़े बनाना चाहते हैं बहुत बड़े वाले साइज़ के छोटे वाले साइज़ के बनाना चाहते हैं या आप फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं तो उस तरह से आप बना लें मैं बहुत मीडियम साइज़ के भरे बना रही हूँ यहाँ पर तो बस इस तरह स्पून से ना मैं इनको डालती जाऊँगी ऑयल के अंदर और ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा ना तो हाई हीट पे होना चाहिए ना ही बहुत लो होना चाहिए मीडियम हीट होनी चाहिए उसी के अंदर बस आपने डालते जाना है और इस तरह से इसको बस इतना आपने फ्राई करना है कि थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और ये देखें कितने ज़बरदस्त से जो है ना भरे बन गए हैं यहाँ पर ओरना थोड़े से ओढ़ रह गए थे तो वो भी मैंने फ्राई करके तो निकाल लिए थे एक बड़े वाले बाउल में मैंने पानी लिया है उसमें सारे भरे मैंने डाल दिए थे और ये जो है ना इनको डिप कर दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए आ, दो घंटे आई थिंक दो घंटे तक कि आप इनको सॉफ करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो जब तक भरे हमारी रेडी हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर ना मटन का सालन रख रही हूँ डिनर के लिए तो मैं यहाँ पर मटन का सालन बना रही हूँ सिंपल सी मटन की हांडी बनाऊँगी थोड़ा सा शोरबा रखूँगी क्योंकि इसके साथ मुझे पुलाव बनाना है मैंने सारे मसाले और सारी वेजिटेबल्स एक ही टाइम पर सब कुछ डाल दिया था ताकि ये आराम से जो है ना ये कुक होता रहे और इसको मुझे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है ये आराम से खुद ही पकता रहेगा क्योंकि मटन को बनते हुए थोड़ा टाइम लगता है अभी यहाँ पर मैं ना बनाने वाली हूँ पास्ता और कल जो चीज़ें मैंने सारी कट करके और मैरिनेट करके रखी थी तो वो बस बहुत क्विकली इससे बन जाएगा तो ये चिकन जो मैरिनेट किया था मैंने थोड़ा सा ऑयली है इसमें मैंने चिकन डाल दिया है इसको ना हमने फ्राई कर लेना अच्छे से और इसमें थोड़ा सा जो पानी आएगा ना तो वो हमने इसको ड्राई करना है उसके बाद हमने इस इसमें, इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ इसमें ऑलरेडी डाल दिया हुआ है तो बस इस तरह से हमने इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्राई कर लेना है यहाँ पर मैंने सिंपल इसमें सिर्फ थोड़ी सी कैचअप डाली थी और इसको मिक्स किया है इसमें बाद मैंने इसमें पास्ता डाल दिया था उसको इस तरह से मैंने जिप लोग बैग में डाल के तो फ्रिज में रखा हुआ था तो इसको मैंने डाल दिया और ये देखें सारी जो चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर ली हैं और जो पास्ता है ना यहाँ पे बिल्कुल रेडी है लेकिन एड पे जो है ना मैंने इस पर थोड़ी सी ना हॉट सॉस ऐड की थी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा केचप ऐड कर के ली थी और इटालियन सीजनिंग इसके ऊपर मैंने की थी सीजनिंग आपकी मर्जी आप किसी भी चीज़ को, को, को कोई भी सीजनिंग कर सकते हैं और इग्नो भी डाल सकते हैं इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के तो ये देखें जो मज़ेदार सा जो पास्ता है ना हमारा यहाँ पर फुली कुक हो गया है तो इसको जो है ना मैं सर्विंग ट्रे में निकाल दूँगी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सारे सॉसेज़ और ये वाला जो ट्रे है ना ये भी डिस्पोजेबल ही है मतलब इसको यूज़ करने के बाद मैं फेंक दूँगी तो इसमें मैंने डाली है अपनी पुदीने की चटनी और एक पे मैं डाल रही हूँ हॉट सॉस और थर्ड वाले कंपार्टमेंट में मैं डालूंगी इमली और खजूर की चटनी तो वो जो इमली और खजूर की चटनी है ना वो है मिचर्स वालों की बहुत अच्छा इसका भी फ्लेवर है तो ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं तो ये जो सॉसेज है ना वो भी हमारी रेडी हो गई हैं सैलड भी यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था काफ़ी जो वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी वो सारी मैंने कट कर ली थी ये सारे काम मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लिए थे ताकि जो मेरा शाम में मुझे ये सारे काम में ना करने पड़े पहले ही मेरी सारी चीज़ें रेडी हों और फ्रिज में पड़ी हों अच्छा ये जो चने हैं ना मैंने आपको दिखाया था कि मैंने फ्रीज करके रखे होते तो थे उनको निकाला और उनको बस डीप रोस्ट किया तो उसके अंदर मैंने जो है ना प्याज और साथ में टमाटर कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट किया था वो डाल दिए तो हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं दही बड़े चना चाट तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला था आपके पास दही बड़ा का मसाला वो भी आप ऐड कर सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने चाट मसाला डाल दिया उसको अच्छे से मिक्स किया और ये देखे जो यहाँ पर बड़े हमने बना कर तो वो पानी में सौ करके रखे हुए थे तो अच्छे से जो है ना वो सॉफ्ट हो गए थे तो मैं इनको निकाल रही हूँ इनको थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ कर रही हूँ ताकि इनमें पानी जो है वो निकल जाए और अगर इसमें पानी रहेगा तो इसे दही बड़े ख़राब हो जाएंगे बड़ा वाला एल्यूमिनियम ट्रे ले लिया था मैंने उसके अंदर पहले सारे चना की चाट डाली और उसके ऊपर मैंने सारे दही बड़े रख दिए थे तो इनमें एंड पर हम योगर्ट ऐड करेंगे लेकिन योगर्ट में अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इफारी के टाइम इस पे इसमें सिर्फ योगर्ट ऐड होगी क्योंकि अगर मैं अभी योगर्ट डालती हूँ तो इससे जो होगा ना पानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो जाएगा तो योगर्ट सबसे एंड पे हमने इसमें डालना है तो अभी जो है ना बस मैंने ये सारी प्रिपेयर कर दी है तो उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और बाद में हम इसको निकाल के तो फिर इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे तो यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रूट चाट और फ्रूट चाट के लिए मेरे पास थोड़े से ही फ्रूट्स पड़े हुए थे ज़्यादा वैरायटी नहीं थी फ्रूट्स की तो जो भी पड़े हुए थे मैंने वो सारे बीच में डाल दिए हैं और इनमें थोड़ा सा हूं। मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और उसके बाद मैंने इसमें क्रीम डाल रही हूँ क्रीम में मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला था स्वीट के लिए और वो बस मैंने इस पर डाल दिया और मैंने मिल्क पैक यूज़ किया था क्रीम का तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम डिश आउट कर देंगे एलुमिनियम का ट्रे लिया था उसमें मैंने इसको निकाल दिया था फ्रिज को कल मैंने सारा क्लीन कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मैंने स्पेस बना दी थी क्योंकि मुझे पता था आज मैंने जितनी चीज़ें बनानी है सब कुछ फ्रिज में जाना है और फ्रिज में स्पेस होनी बहुत जरूरी है तो इसलिए अब जो जितनी भी चीज़ें मैं बना रही हूँ ना साथ साथ उनको मैं फ्रिज में रखती चाहूँगी तो अब मैं बनाने वाली हूँ कोल्ड सैंडविचेस तो उसके लिए मैंने वाइट ब्रेड लिए है और साइड्स होेंगे ना कि कॉर्नर्स को मैं कट कर लूँगी मुझे सिर्फ वाइट ब्रेड चाहिए अब साइड के जो ब्राउन इसके कॉर्नर्स है ना उसको मैं कट कर दूँगी क्योंकि वो सैंडविचेस में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और अब एक ब्रेड की एक साइड पे जो है ना मैं चिकन का मिक्सचर लगाती जाऊंगी और बस इनको हमने जो है ना सैंडविचेस इनके बस रेडी कर लेने हैं और सीरियसली ये इफ्तार में ये इतने अच्छे लगते हैं ना मैं वैसे भी रेगुलर में घर में बनाती रहती हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा ये मिक्सचर बनाकर फ्रिज में भी रख देती हूँ अपने अक्सर भी वीडियोज़ पर देखा होगा कि जब भी मैं दावत वगैरह करती हूँ तो मैं ये सैंडविचेज ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं इसलिए जो है ना ये मैं हमेशा ज़रूर साथ में ऐड करती हूँ तो मैंने इनको इस तरह से ना सेंटर से पहले मैंने कट किया है फिर इनको मैंने और आ, मतलब इनके एक सैंडविचेस के ना मैंने फोर पीसेस कर लिए थे इनके दिन ना मैं टूथपिक्स का यूज़ कर रही हूँ मेरे पास कॉकटेल स्टिक्स थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी मैंने इतना फाइंड किया पहले मैंने लास्ट ईयर ली थी तो काफ़ी ज़्यादा ना मेरे पास पड़ी हुई थी तो मुझे मिल नहीं रही थी तो भी मैंने टूथपिक्स लगा दी तो इनके ऊपर आप किसी भी तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं मेरे पास ऑलिव्स पड़े थे ब्लैक ऑलिव्स तो मैंने उसके ऊपर वो लगा दी है तो टूथपिक्स के साथ ना वो अच्छे से जो है ना ऊपर सेट हो जाते हैं तो अगर आपके पास कॉकटेल स्टिक्स हैं ना तो आप वो लगा रहे हैं उनके ऊपर भी नोट्स बनी होती हैं या इनके ऊपर आप टटोज भी लगा सकते हैं तो जिस तरह से भी आप चाइन्स की डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं दो ट्रेस मैंने लिए थे और इनके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो है सैलड रख दी थी और उसके ऊपर सारे सैंडविचेस को मैंने लगा दिया था खाना अच्छा होना चाहिए खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ खाने की जो डेकोरेशन है ना वो भी बहुत बेटर करती है जितना आप अच्छा डेकोरेट करके उसको सर्व करेंगे ना अगला वैसे इंस्पायर हो जाएगा आपके खाने से तो बहाल मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ ना उसको अच्छी तरह से इसको सर्व करने का मुझे तरीका आना चाहिए तो मैं कोशिश करती रहती हूँ अपनी जो सर्विंग है ना बेहतर करने की वैसे मुझे इतना आइडियाज़ नहीं थे पहले लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे भी आइडियाज़ आने लग गए हम अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने दो क्रीम्स के पैक लिए थे एक बड़ा बॉल लिया था उसको जो है ना मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ ताकि जो क्रीम है ना थोड़ी सी थिक हो जाए और ये जी मेरे पास डेट्स थी इनके अंदर से मैंने सीड्स निकाल दिए थे दो दो ऑलमंडस मैंने ऐड किए थे आप ऑलमेंट्स डाल दें इसकी जगह आपको जो ड्राइन अच्छे लगते हैं वो ऐड कर लें तो ये क्रीम को ना मैंने डाल दिया था अभी पिंक बैग के अंदर तो इस तरह से जो है ना मैंने इनको फिल कर दिया था डेट्स को और ये देखिए हमारी जो क्रीम डेट्स हैं वो रेडी हो गई हैं हाफ़ डेट्स मैंने ना बिल्कुल सिंपल रखी थी अगर किसी को अगर क्रीम डेट्स अच्छी नहीं लगती तो वो सिंपल वाली खा ले और कुछ के अंदर मैंने ऑलमंडस और क्रीम ऐड कर दी थी तो ये हमारी जो है डेट्स रेडी हो गई हैं इफ्तार तो वैसे भी आपको पता है डेट्स के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है तो डेट्स मस्ट है तब तो आप यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ ऑलमोस्ट जो है ना इस टाइम पाँच बज रहे हैं और पाँच बजे ना मैंने अपना ये कबाब वगैरह का काम शुरू कर दिया था ताकि ये भी साथ में फ्राई हो जाए और अपना ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर सारे इकट्ठे एक ही टाइम पर फ्राई हो जाएंगे और इसी टाइम पर जो है ना मैं इनको बना बना के साथ साथ फ्राई करती जा रही थी इस टाइम में इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि पाँच बज रहे थे और मेरा अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ था किचन में बहुत ज़्यादा काम था क्लीनिंग भी थोड़ी बहुत करने वाली थी टेबल अभी थोड़ा सा सेट होने वाला था और इसके अलावा अभी मैं राइस बना रही थी साथ में तो भी रखने थे मुझे तो मैंने कहा यार मैं किधर किधर होंगी ये अभी मैंने बच्चों को शावर भी देने जाना था तो इसलिए मैं बहुत स्पीडों में काम कर रही थी और यहाँ पे जो है ना मैंने पलाव बना दिया था प्लाव के मैंने तो बस जो है ना चिकन कुक किया उसके अंदर मैंने राइस डाल दिए थे और बड़े वाला पैन अपना यूज़ किया था ताकि जल्दी से जो है ना राइस कुक हो जाए और खिले खिले से राइस होने चाहिए चिकन यहाँ पर फ्राई हो गया था तो मैंने उसको ना उसी टाइम पर जो है ना अपने ये एलूमिनियम फॉल के अंदर निकाल के ना तो उसको कवर करके तो स्टैंड पर रख दिया था तो ये जो है ना मैं सारी चीज़ें डाल डाल के तो रखती जाऊँगी सारी सर्विंग ट्रेस के अंदर और इफ्तार के टाइम जो है ना मैं इनके नीचे साथ बर्नर्स ऑन करूँगी ताकि खाना जितना भी है ना वो साथ में वार्म हो जाए राइस देखें कितने अच्छे से जो है ना ये पे कुक हो गए हैं और मुझे ना इस टाइम स्पाइसेस का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ना पता था कि सॉल्ट इसमें ठीक है कि नहीं है मिर्च इसमें ठीक है कि नहीं क्योंकि ये बहुत मसला होता है जब आपका रोज़ा होना तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता आप कितना इसमें ठीक आपने स्पाइस ऐड किए कि नहीं मैं बस अंदाजे के साथ ही सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रही थी और ये जो कल हमने बना कर रखे थे ना पिज़्ज़ा ब्रेड्स बनाई थी उसके ऊपर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस और उसको बस थोड़ा सा मैं आ, डालती जाऊँगी सारी ब्रेड्स के ऊपर और के ऊपर मैंने मोस्रेला चीज़ जो है ना वो ऐड कर दी थी अच्छा इसके लिए ना जो मैंने वेजिटेबल्स इसके ऊपर ऐड की थी ना उनको मैंने पहले कट करके ना एयर फ्राई कर लिया था ताकि तो वेजेस जो थी ना वो थोड़ी सी पहले से कुक हो गई हुई थी तो इसलिए ना उसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है तो इसलिए मैंने पहले ही से उनको एयर फ्राई कर लिया था ज़्यादा इसको मुझे ओवर कुक नहीं करना पिज़्ज़ा ब्रेड्स को तो इसलिए वेजेस को हम पहले ही एयर फ्राई करके ना थोड़ा सा कुक कर लेंगे और एंड फिर ना मैंने उसके ऊपर ब्लैक ऑलिवस डाल दिए थे क्योंकि ब्लैक ऑलिवस के साथ ना ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं और साथ में यहाँ पे ना चाय का इंतज़ाम भी किया हुआ था क्योंकि चाय मस्ट है तो चाय के लिए मैंने उसके डिस्पेंसर रख दिया हुआ था और साथ में मैंने केक भंगवा लिए थे और ये मैंने ना ट्रे पे लगा दिए थे और इनको मैं ना स्विंग बैग के साथ कवर कर दूंगी ताकि ये ड्राई ना चाय मैं ना इफ के बाद ही बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसको ना डिस्पेंसर में डाल दूंगी ताकि इसमें वो बिल्कुल वार्म रहे और जब भी जिसने चाय पीनी होगी तो आराम से जो है ना चाय इंजॉय करे अच्छा जो तो है ना मैं आ गई थी यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करके और मैं अपना यहाँ पर राइस निकाल रही हूँ सर्विंग ट्रेस के अंदर डाल रही हूँ और अभी सिर्फ जो है ना घंटा रह गया है इफ्तारी में और मुझे लगता है अभी किसी टाइम भी ना कोई ना कोई आ सकता है घर अभी मैं ये सोच रही थी कि मैंने अपना ड्रेस पहन के ना बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि जो मैं सालन डाल रही थी तो मेरा जो अपना मेरे स्लीव्स थे और मेरे जो ड्रेस थे तो उसके ऊपर अच्छी खासी जो है ना वो ऑयल लग गया था और मेरी शर्ट काफ़ी ख़राब हो गई है तो नया सूट था मेरा वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया तो मैंने कहा यार की क्या हो गया आज इससे बेहतर तो मैं कोई और ड्रेस पहन लेती अच्छा तो यहाँ पर मैंने जो है ना साथ में चीज़ें फ्राई करनी थी जो वो भी फ्राई करने के लिए रखती थी मैं यहाँ पर फ्राई कर रही थी रोल और साथ में मैं यहाँ पर जाम मचूरियर बना रही हूँ तो ये सब से एंड पे रह गया था मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो पानी बना के नहीं रखा वरना सब क्या पिएंगे इस टाइम तो खैर मैंने पानी में ना जाम शुरू डाल दिया था एंड में मैंने इसमें स्प्राइट भी डाली थी आप ज़रूर वैसे करके देखना स्प्राइट डालने से इतना अच्छा इसका टेस्ट आता तो है वो मैंने बस यही बनाया था इसमें मैंने आइस वगैरह बिल्कुल एंड नहीं की क्योंकि यहाँ पर वेदर बस ठीक है इतनी ज़्यादा कोई गर्मी नहीं है कि आपको आइस की ज़रूरत पड़े तो सिंपल मैंने रेगुलर वाटर यूज़ किया था अच्छा यहाँ पर जो है ना चीज़ें जितनी भी फ्राई होती जा रही थी उनको मैं निकाल रही थी और साथ साथ अपना जो टेबल था ना उसको भी मैं सेट कर रही थी मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया है इसलिए ताकि कि मैं अपनी जितना भी मैंने आज फूड बनाया है उसका जितना भी डिस्प्ले है और मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर सकूं उसकी वीडियो दिखा सकूं आप लोगों को कि मैंने क्या क्या बनाया था किस तरह से उसको सर्व किया था अच्छा यहाँ पर दही भर के तरह मैंने योगा डाल दिया है उसके ऊपर मैंने थोड़ा तो सा चाट मसाला डाला था और ऊपर मैंने खजूर और इमली की चटनी डाल दी थी इस टाइम पे ना सनलाइट की लाइट बहुत अच्छी आ रही थी और वीडियो बहुत बहुत अच्छी शूट हो रही थी मुझे ना ये वाली जो लाइट के साथ वीडियो शूट करना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैंने कहा था कि पहले पहले वीडियो शूट कर लूँगी ताकि गेस्ट के आने से पहले पहले आ, वीडियो शूट कर लूँ और फिर अच्छा नहीं लगता कि सब आ जाएँ और फिर मैं उनके साथ वीडियोस बना रही हूँ कि भाई दो मिनट रुक जाए मैं वीडियो बना लूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी जो है ना इफ़ार के टाइम आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते सबको इतनी भूख लगी होती है फटाफट से सबकी कोशिश होती है कि हम लोग खाना खा लें कुछ खा लें तो उससे पहले पहले मैंने कहा वीडियो सारी अच्छे से शूट और मेरे कुछ क्लिप्स का के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थे क्योंकि मैंने पूरा ही व्लाग इतना टाइम लगा कर कल से मैं पूरा ब्लॉग भी शूट कर रही थी और आपको पता है कि सारा काम अकेले करना साथ वीडियो भी शूट करना और बच्चों को भी संभालना घर की सारी क्लीनिंग भी करना इट्स नॉट ईजी तो लेकिन मैंने बहुत कोशिश कर कर कि सारा काम किया और ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी वीडियो ओ, क्यों, शेयर करती हूँ कम्प्लीट मैन्यू आपको मैं बताती हूँ जिसमें मैंने कुछ भी बाहर से नहीं मंगाया था सब कुछ खुद बनाया था जो मैंने बनाया था पिज्ज़ा पैट्स रोल्स समोसा और फ्रूट चाट सैंडविचेस दही बड़े चिकन पैटिस और साथ में डेट्स जो मैंने क्रीम वाली फिल करके रखी थी और साथ में कबाब थे और पुलाव था मटन था और इसके साथ नान थे ड्रिंक मैंने आपको दिखा दिया था साथ में चाय है तो ये था आज का कम्प्लीट मेन्यू सब काम के लिए ना बस ज़रूरी होता है एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए आपकी और आपने सब कुछ पहले से डिसाइड किया हो कि किस तरह से आपने सर्विंग करनी है किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें बनानी हैं क्या करना है तो ये सब कुछ आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है जब आप सब कुछ एक बार प्लान कर लेते हैं ना आपके लिए सब कुछ करना बहुत ईजी हो जाता है अभी यहाँ पर जो है ना मैंने इफ्तार डिस्प्ले कर दिया क्योंकि इफ्तार को फिफ्टीन मिनट्स रह गए हैं और सब ऑलमोस्ट आ गए हैं मेरे घर में इस टाइम सब आ चुके हुए थे और जो खाना है ना जो डिनर है उसको मैं ना इधर अभी कवर कर दूँगी क्योंकि आ, इफ्तारी अभी सब करेंगे फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना सारे खाना खाएंगे तो तब तक जो है ना मैं बर्नर्स को ऑन कर दूँगी ताकि सारा फूड जितना भी है ना डिनर का वो वार्म होता रहेगा तब तक सारे जो अपना अफतार को इंजॉय कर लेंगे और उसके बाद जो है ना सारे फिर अपना डिनर कर लेंगे और यहाँ पर जो है ना ये सारी डिस्पोजेबल का बर्तनों का मैं यूज़ किया था ताकि बर्तन ज़्यादा ना हो और मेरे लिए इजी हो जाए ताकि अफ्तार के बाद जो है ना मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े अभी सब चले गए थे इफ्तारी सब ने ली थी डिनर भी हो गया था और यहाँ पर जो टेबल था उसको भी हमने उठा दिया था अभी मैंने कहा जो काम हो जाए ना हो जाए तो भाभी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करके गई थी और उन्होंने काफ़ी सारी मेरे साथ क्लिनिंग करवा दी थी अभी भी लेकिन मेरे किचन में काफ़ी मेस था तो मैंने कहा यार बाकी जो है ना काम सुबह उठ के कर लेंगे क्योंकि मैं इस टाइम बहुत थक चुकी थी और ज़रा हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप किचन को मज़ीद क्लीन कर सकूं और आप अभी मेरे किचन का हाल देख सकते हैं जो तो देख देख के वैसे चक्कर आ रहे थे मुझे इतनी नींद आ रही थी मैं इतनी थक गई थी और मैं सोच रही थी अब मैं सो जाऊँगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा अल्लाह